करनाल के सरकारी स्कूल में चोरों ने सेंध लगाई, कमरों में लगे पंखों को उतारकर जो है चोर ले जाते हैं। आप देख सकते हैं इस कमरे में चार पंखे लगे हुए थे और चारों ही पंखों को उतारकर जो है चोर रफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस मौके पर जरूर आई थी और फिलहाल कुछ पर्सनल भी लगा के पूरे किए पंखे, तो अब फिर सात पंखे हमारे चोरी हो गए हैं। मैम बार बार चोरी हो रही है पंखे, तो बार बार कई बार हुई है। किचन का सामान उठ गया, मिड डे मील का, हमारे पतीले वगैरह काफी सामान। कितने कमरों में पंखे लगे हुए थे, कितने लगे हैं? सभी कमरों में लगे हुए, चार कमरे हैं यहाँ पे। हाँ। चारों में चार चार पंखे लगे हुए हैं। दो रूम के सेफ हैं, दो रूम्स के एक के चार चोरी हो गए हैं, एक कमरे में एक सेफ है। अभी तीन लगे हुए हैं, तीन चोरी हुए हैं। सात पंखे हैं, सात पंखे चोरी हैं। इस बार वायरिंग वगैरह हमारी सेफ है, लास्ट टाइम तो वायरिंग भी खराब हो गई। पुलिस का नुकसान हुआ आपका? पुलिस, हाँ, 112 नंबर पे हमने आते जैसे हमें उन्होंने कहा कोई नहीं, हम मिलने पर आप लोगों को बताएंगे। चोर तो नहीं पकड़ा गया? हाँ, कंप्लेंट हमारे को तो जरूरी था ना करवाना, भी स्कूल सरकारी का चीज़ है। हाँ, तो हाँ, प्रॉपर्टी का वो हम ऐसे वो नहीं कर सकते। तो क्या कहेंगे, चोरों के तो हौसले बुलंद है कि बच्चों के बच्चों को उन लोगों को ये नहीं दिखता कि हमारे बहन भाइयों के बच्चे ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो वो गर्मी में रहेंगे। लास्ट टाइम हमारे अगस्त में चोरी हुई थी, फिर एकदम से ग्रांट भी नहीं आई थी, कुछ भी नहीं। तो हम दो महीने हमें पता हम बच्चों को कैसे लेके बैठे हैं बिना पंखों के। तो ये दिक्कत आएगी, अब तो चलो सर्दी, अब तो सर्दियाँ दो तीन महीने निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद तो पंखे थे। भरपाई बस वही है, चाहे अपनी तरफ से करो या ग्रांट कोई आएगी तो, मतलब और कुछ नहीं करवाएंगे तो पंखे लगवाएंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये क्लासरूम है और क्लासरूम में लगे पंखों को चोर उतार कर जो है फरार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं तारे तारे सिर्फ यहाँ पर बची हुई हैं। दो कमरों में लगभग आठ पंखे थे जिनमें से सात पंखों को चोर उतारने में कामयाब हो जाते हैं और एक पंखा चोर नहीं उतार पाते, जिसके बाद चोर सात पंखों को उतार कर यहाँ से चलते बनते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और किस तरीके से अब देखना ये होगा कि पुलिस इन चोरों तक पकड़ पाती है। आप देख सकते हैं क्लासरूम है ये, फिलहाल सर्दी है, बच्चे बाहर धूप में बैठकर जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन किस तरीके से चोरों ने सरकारी स्कूल के कमरों को निशाना बनाया और किस तरीके से वहां पर लगे पंखे उतारकर जो है चलते बने, आप देख सकते हैं तारे तारे ही यहां पर जरूर बाकी रह गए हैं। बाकी पंखे जो लगे हुए थे यहाँ पर चोर लेकर यहाँ से जरूर फरार हो गए हैं। हमारी आप सभी से अपील, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। तो बिल्कुल आप देखिए क्लासरूम है और क्लासरूम में लगे इन पंखों को किस तरीके से चोर उतारकर फरार हो जाते हैं। इससे पहले भी इसी स्कूल को चोरों ने निशाना बनाया था और वहां पर भी उन्होंने पंखे ही उतारे थे। एक बार फिर से चोर आप देख सकते हैं किस तरीके से क्लासरूम में लगे पंखों को उतारकर जो है फरार हो जाते हैं। आप देखिए ये दोनों ही जगह पंखे लगने की है और इन दोनों ही जगह पर पंखे गायब हैं। पीछे पंखे लगे हुए थे, यानी कि टोटल एक कमरे में चार पंखे लगे हुए थे और चारों ही पंखों को लेकर चोर यहाँ से फरार हो जाते हैं। दूसरे कमरे की अगर बात करें तो वहाँ से भी तीन पंखे जरूर चोरी हुए हैं। हमारी आप सभी से अपील, इस वीडियो को आप शेयर करें।